गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने पेज नंबर 126 तक, आज 27 से डिस्कस करेंगे। तो 27 में क्या है? क्लोथ, क्लोथ वर प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। क्लोथ में कॉटन, जो कि मेहरगढ़ में, जो पाकिस्तान में आज के प्रेजेंट डेज में वहां ग्रो किया करते थे 7000 ईयर अगो पहले, एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदारो। एक्चुअल में कपड़े के जो पीस हमें पाए जाता है वो सिल्वर एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट के साथ मोहनजोदारो के टाइम पे पाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंडेड स्पिंडल वॉल्ट मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, दे वेर यूज इट टू स्पिन थ्रेड। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुराने चीजों के बारे में पढ़ते थे उनसे हमें ये मालूम होता है, स्पिंडल वॉल्ट, स्पिंडल धागे की वॉल्ट या धागे की गुच्छा, मेड अप ऑफ टेराकोटा, जिसका बना हुआ था टेराकोटा एक क्या है, टाइप ऑफ एक फ्राइड क्ले है, मतलब वो क्ले जिसको फ्राई किया हुआ है, मतलब जिसको जलाया हुआ है, टाइपिकल वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। दे वेर यूज टू स्पिन द थ्रेड, उनको स्पिन को थ्रेड करने के लिए क्या करते थे, इस्तेमाल करते, स्पिन को थ्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सील, और एक इम्पोर्टेंट फीचर हरप्पन सिविलाइजेशन का क्या था, सील था, मोहर था, वहां का अपना क्या होता था, मोहर होता था। वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन इज द सील। दीज सील्स वर मेड अप ऑफ स्टोन्स और टेराकोटा एंड केम इन डिफरेंट शेप एंड साइज। ये जो सील था, ये जो मोहर थे, ये बना हुआ था स्टोन एंड टेराकोटा का बनता था। टेराकोटा मैंने अभी बताया एक क्ले के टाइप होता है, उससे बना होता है, या स्टोन का बना होता था, जो कि डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप का होता था। द सील्स हैव मोटिफ ऑफ या प्लांट, उस सील पे या तो प्लांट का नक्शा या एनिमल का या बर्ड का, सम स्क्रिप्ट इंग्रेविड ऑन देम, कुछ न कुछ वहां पे बना हुआ होता है, जैसे कि एक यहाँ पे दिखाया है हमारे लिए। द हरप्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड इज येट टू बी डिस्क्राइब्ड। हरप्पन सिविलाइजेशन का जो राइटिंग स्टाइल था वो राइट टू लेफ्ट था, जैसे कि आज हम इंग्लिश लिखता है उसी तरह से, राइट टू लेफ्ट बोले तो जिस तरह से उर्दू लिखता था उस तरह से हो गया, राइट टू लेफ्ट। देन ट्रेड, वी नो दैट द हरप्पन्स वर एंगेज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया एक्सेट्रा। हरप्पन हमेशा एंगेज रहते थे, बिजी रहते थे ट्रेड में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में, वो भी अफगानिस्तान, ईरान, इन जैसे मुल्कों के साथ। While some of the raw materials were available locally, like copper from Rajasthan, कुछ raw material जो कि locally मिलते थे, copper from Rajasthan, gold from Karnataka, and precious stone, कीमती जो पत्थर from Gujarat से मिलते थे, the Harappan had to get some of the raw material from outside, कुछ raw material Harappans को बाहर से भी आते थे, जैसे कि copper from ओमान से आते थे इन वेस्ट एशिया, लेपिस लुजुली, ए ब्लू स्टोन का नाम होता है जो कि अफगानिस्तान से मिलता है, टीन फ्रॉम अफगानिस्तान, मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन इट ट्रेड विद मिलुहा, ए नेम यूज्ड फॉर इंडस बाय द सुमेरियन। ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेंशन हुआ है, ट्रेड विद मिलुहा, ए नेम यूज फॉर इंडस के लिए यूज करते थे कौन, सुमेरियन लॉग। एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज नो एविडेंस ऑफ ए सिंगल रूलर और एनी पैलेस, वहां पे किसी एक सिंगल राजा का रूल हुआ है ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। ए स्टोन स्टेच्यू हैज बीन लेबल्ड एज ए प्रिंस किंग के नाम से एक पुतला मिला है, बट देयर इज नो
कंक्रीट, मगर वो भी एक कंक्रीट एविडेंस टू बी प्रूव इट दैट द स्टैट्यू रिप्रेजेंटेड ए किंग, उसका कोई एक फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है कि वो राजा ही है. द वेल डेवलप्ड टाउन प्लानिंग एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्रिक्स इंडिकेटेड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. मगर इतना तो हमें मालूम होता है कि वेल डेवलप्ड प्लानिंग जो बनाया हुए थे उससे ये मालूम होता है कि वहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करते थे. रिलीजियस वर्शिप, वो लोग क्या मजहब मानते थे. देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप एट एनी ऑफ द हरप्पन साइट. पे किसी भी टेम्पल या किसी भी और तरह का वर्शिप का कोई एविडेंस नहीं मिला. देयर फॉर इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस बिलीफ ऑफ हरप्पन. का क्या रिलीजियस बिलीफ था वो हमें समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, यह समझना मुश्किल है. ए पॉट एट टेराकोटा फिगर ऑफ ए वुमन इज अज्यूम्ड टू बी द गॉडेस ऑफ अर्थ एंड फर्टिलिटी. ए टेराकोटा फिगर ऑफ ए वुमन, एक वुमन का एक स्टेच्यू इज अज्यूम्ड टू बी द गॉडेस ऑफ अर्थ माने करते थे वो लोग एंड फर्टिलिटी. ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल डियाटी ऑन द सील पे एक मेल का भी मोहर था जिससे एसोसिएटेड विद द पशुपति महादेवा वो लोग क्या करते थे, उसे एसोसिएट करते थे या मानते नहीं थे, मतलब एसोसिएट करते थे उसे, तालोक इस तरह से माना जाते थे. द हरप्पन्स ऑल्सो वर्शिप्ड एनिमल लाइक बुल्स, टाइगर, गॉट, स्नेक एक्सेट्रा. हरप्पन्स लोग बहुत सारे एनिमल्स का क्या करते थे, पूजा करते थे, जैसे कि बुल, टाइगर, गॉट, स्नेक, इस तरह के एनिमल का. हरप्पन सिटीज इन गुजरात, कुछ सिटीज आज भी गुजरात में है. धोलवेरिया एंड लोथल्स आर द टू सिटीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन दैट हैव बीन एक्सक्यूवेटेड इन गुजरात, जो कि गुजरात में पाए जाते हैं या वहां पाया गया है. धोलवेरिया, द सिटी ऑफ धोलवेरिया इज फुल ऑफ ट्रेस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. धोलवेरिया के सिटी जो कि बिल्कुल फ्रेश वाटर से सराउंड है और फर्टाइल सॉइल, वहां की मिट्टी भी बहुत जरखेज है. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ईच सराउंडेड विद द मैसिव स्टोन वॉल्स एंड एंट्रेंस एट ए गेटवे. वहां पे बड़े बड़े पत्थरों को वॉल दिया हुआ है, एक गेटवे भी है एंटर होने के लिए वहां पे. देयर वॉज अ लार्ज ओपन एरिया प्रोबेबली यूज फॉर पब्लिक सेरेमनीज. वहां पे एक बड़ा एक जगह भी है जो कि पब्लिक सेरेमनीज के लिए भी इस्तेमाल किया करता है. लोथल इज ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती नियर द गोल कुंबत. इट हैज अ डॉग यार्ड. लोथल साबरमती रिवर के किनारे पे है, गुल्फ ऑफ गुंबत पे. गुल्फ ऑफ गुंबत देर इज अ डॉग यार्ड, वहां पे डॉक भी है. लोथल वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंट्रल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, चीजें बनाने के लिए लोथल को सेंट्रल मनाया करता है. आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल, जैसे सेमी प्रिशियस जैसे चीजें स्टोन वर अवेलेबल हियर, वहां पे अवेलेबल होते हैं. डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस तरह से खत्मा हुआ, किस तरह से वो मिट गई. Around 3,900 year ago, we find the beginning of the major change. People stopping, receding in many of the cities. 3,900 years ago, we find the beginning of major change. Aana shuru ho gaya. Writing seals and weights were no longer used. राइटिंग का लिखना सील का इस्तेमाल करना, ये सारे चीजें अब धीरे धीरे इस्तेमाल नहीं हो रहे थे. रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर. जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहे थे उनका आना अब धीरे धीरे कम हो रहे थे. इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड द गार्बेज पैलेट अप ऑन द स्ट्रीट. मोहनजोदड़ो के जो टाइम होते उस टाइम में हमें ये सुनने को या देखने को मिलता है, उस टाइम पे बहुत सारे गंदगी जमा होते थे गली में, कोचों में. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन. जो ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदड़ो के सिस्टम पे बिल्कुल बेकार का था, मतलब वेल डिफाइंड नहीं था.
एंड न्यू लेस मैसिव हाउसेज वेयर बिल्ड, बहुत सारे लेस इम्प्रेसिव कम अट्रैक्टिव हाउसेज बनाना शुरू किया. रिवर माइट हैव ड्राइड इट अप, दरियाए सूखने लगे, डिफॉरेस्टेशन करने लगे लोग, फ्यूल्स टू बैग ब्रिक्स एंड स्मेल्टिंग कॉपर और माइट हैव एक्सर्टेड, बहुत से मेटल्स कॉपर धीरे धीरे खत्म होने लगे. ग्रीन कवर कुड हैव डिस्ट्रॉयड, जो हरियाली थे वो भी खत्म होने लगे. किसकी वजह से? ओवर ग्रेजिंग की वजह से. शीप एंड गॉड के न्यू सिटीज इमर्ज होने लगे 14 ईयर लेटर के बाद. दी सिविलाइजेशन लास्टेड फ्रॉम 2500 टू 1500 BC अप्रोक्सीमेटली. ये सिविलाइजेशन चला 2500 साल से 1500 BC बिफोर क्रिस्ट अप्रोक्सीमेटली लगभग. द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन आर नॉट नाउ, जो एग्जैक्ट सिविलाइजेशन का खात्मा किस तरह से हुआ वो मालूम नहीं हुआ है. पर है नेचुरल डिजास्टर लाइक, मगर ये भी माना जाता है नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड अर्थक्वेक ब्रॉट द सिविलाइजेशन टू एंड. इसकी वजह से, फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से ये सिविलाइजेशन क्या हुआ, खत्म हुआ. सम अट्रैक्ट टू द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन टू इन्वेशन ऑफ आर्यन, जिसके बाद आर्यन का इन्वेशन हुआ, उनका आना, उनकी इन्वेशन हुआ. तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर. एल्सवेयर वाले ये आप खुद पढ़ोगे तो हम क्वेश्चन आंसर भी जल्दी करेंगे. थैंक